फ्लैट देख रहे हैं इस जगह पे। मैं क्या कहूँ, खबीस लोग, कुत्ते, इन लोगों ने कुरान पाक को जलाने की जो है ना इधर कोशिश की थी इस जगह पे, ये रेड हाउस के सामने, क्योंकि ये म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस है, तो इधर इन्होंने एहतजाज किया था। तो लेकिन एक सीनियर बंदा था, उसने उसको जलने से बचाया। हाँ जी, अभी हम जो है आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है कि कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से जो है ना हर कंट्री तकरीबन मुतासर है। अभी तक तो ये 37 कंट्रीज़ में जो है ना फैल चुका है, और नॉर्वे की अगर बात करें तो ये तकरीबन 1200 से ऊपर पेशेंट चले गए हैं नॉर्वे जो है ना कोरोना वायरस की वजह से, और मेरे ख्याल है 2 की डेथ हुई है उसकी वजह से। ये लोग जो है ना अभी इन्होंने होटल अपनी जो ऑफिस बाज़ार वगैरह ये वो जितनी भी पब्लिक के लिए कोई जगह थी ना, वो इन्होंने पार्टी शार्टी कहा है कि बंद कर दें, ताकि ये आगे जो है ना मज़ीद ना जा सके। तो उसके लिए ये काफ़ी इकदाम कर रहे हैं। अभी इन्होंने अपने एयरपोर्ट भी बंद कर दिए हैं, और अपना जो समुंदरी रास्ता वो भी बंद कर दिया है। तो ये उम्मीद है कि अल्लाह करम करेगा, और इटली में ये ज़्यादा वर्स है मेरे ख्याल से। इस्लाम में ये बड़ी प्यारी बात है अगर बंदा सोचे न्यूट्रल होके। इस्लाम में हालांकि 1400 साल पहले ये सारा कुछ बता दिया हुआ है कुरान पाक में, ये काफ़ी हदीसें भी हैं और आयतें भी हैं वबाई मर्ज़ों के हवाले से। तो अगर तहकीक करें तो इन्हें पता चले, 5 वक्त नमाज जो बंदा पढ़ता है, 5 वक्त अपने हाथों को धोता है, मुंह को धोता है, अपने बॉडी पार्ट्स को जो कि एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जिनका कंटेक्ट ज़्यादा होता है लोगों से मिलना, हाथ धोना इस तरह, और गर्द में ज़ाहिर बंदा चलता भी है, पाँव धोना, फिर मुँह धोना, नाक धोना, फिर कुलियाँ करना, फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोरोना से बचने का ये बेस्ट हल है। एज ए मुस्लिम तो हम लोग कहते हैं कि हाँ नमाज है ये वो, लेकिन गैर मुस्लिम जो है ना अभी भी इस चीज़ को अपना रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था आज, इधर की जो प्राइम मिनिस्टर है वो हाथ नहीं मिलाती, वो इस तरह करके तो आपस में मिल रहे हैं, और उन्होंने भी कहा है कि हॉस्पिटल्स में भी अभी सलाम नहीं लेते इसी तरह, ताकि वायरस जो है आगे जो है ना ड्रॉपलेट जो है उसका ना आगे वो चला जाए। तो ये है, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद रखें, इंशाल्लाह सारा कुछ बेहतर होगा। अपना हाइजीन का अच्छा ख्याल रखें। अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं मिली, जिसकी वजह से जो है ना ये काफ़ी मुश्किल पेश आती है लोगों को, और अल्लाह पाक पाकिस्तान को में जितने भी लोग हैं उनको सेहत याबी अता फरमाए, और जितने भी लोग हैं उसको इस मर्ज़ से बचाए। पाकिस्तान में एजुकेशन का भी बहुत इशू है, जिसकी वजह से ये केसेज जो हैं अभी रिपोर्ट नहीं हो रहे। और मैं लोगों से भी यही कहूँगा कि एक दूसरे की मदद करें इस वबा में, जितना हो सके इमदाद करें पाकिस्तान में। ज़ाहिर है जो गरीब बंदा है जिसको कोरोना हुआ वो तो इतना इलाज नहीं करवा सकता। आज मैं देख रहा था कि कोरोना जो वो है किट है उसका आगा खान में 12,000 है, और शौकत खाना में 6,000 है, और जो एक बंदा कमाता ही 12-15,000 है मंथली, 5-6 बंदों का वो पेट भरता है, वो किस तरह इस तरह मैनेज करेगा। तो कोशिश करें कि अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं जिसको किसी को ज़रूरत है तो वो लाजमी उसकी हेल्प करें। अगर मेरे से कुछ हो सका तो मैं इंशाल्लाह लाजमी कुछ करूँगा। अगर कोई किसी को पैसों की कोई ज़रूरत हो या इस तरह के मर्ज़ में मुबला हो तो वो मैं अपना नंबर नीचे दे दूँगा, वो लाजमी मुझसे कॉन्टेक्ट कर ले, और जहाँ तक हो सका इंशाल्लाह मैं हेल्प करूँगा आपकी। और दुआ में याद रखेगा, और लोगों को पैसों की बाज़ औक़ात लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये सारी साथ ले कर चलें, और इंशाल्लाह इस मर्ज़ से सब भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ा इम्तहान है, और अल्लाह पाक करम करेगा। ये था मेरा कोरोना की तरफ से जो है ना एक छोटा सा मैसेज। चलो जी, चलिए।
आज सुबह तक तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, तकरीबन 12-1 बजे धूप निकली हुई थी, लेकिन अभी फिर पता नहीं क्या हो गया, ठंड शंड शुरू हो गई है, फिर आवाज़ थोड़ी थोड़ी चल रही है जिसकी वजह से जो है ना ज़्यादा फील होती है। अभी जो है आगे तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, रास्ता बंद है, तो इस साइड पे चलते हैं, आगे भी मैं किसी दिन आपको लेके जाऊंगा, अभी इस जगह पे चलते हैं। नॉर्वे में हॉस्टलों के अलावा जो है ना आप तकरीबन इसी तरह के घर देखेंगे, ये वाले, ये देखें हॉस्टलों में ज़रा मॉडर्न स्ट्रक्चर है, उधर काफ़ी जो है ना ऊंचे ऊंचे घर हैं, लेकिन वो भी मैक्सिमम मैंने एक होटल है वो देखा, उसकी 38 है फ्लोर है उसके, अरे सा चढ़ गया अभी तो टूरे भी नहीं। ये है जी, ये लोगों का रहन सहन है इधर। ये जी मर्सिडीज़ वाला भी रुकेगा और BMW वाला भी रुकेगा, चाहे जितनी मर्जी तेज़ है, माँ मर जाएगी इनकी अगर कोई इस तरह का कोई इशू हुआ तो। जिस जगह पे हूँ ये जो है सिटी सेंटर से कहते हैं, इधर सारा म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस, पॉलिटिशियंस के जो ऑफिस हैं, वो जो मेन मेन गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स वो हैं सारा कुछ। ये देखें ये जगह, और ये इनका चर्च है, और ये इधर वो जगह जो सामने गाइड देख रहे हैं, इस जगह पे मैं क्या कहूँ, 20 लोग कुत्ते, इन लोगों ने कुरान पाक को जलाने की जो है ना इधर कोशिश की थी इस जगह पे, ये रेड हाउस के सामने, क्योंकि ये म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस है, तो इधर इन्होंने एहतजाज किया था तो, लेकिन एक सीनियर मेंबर था उसने उसको जलने से बचाया, उन्होंने किसी चर्च के सामने जो है ना ये कमी करने की कोशिश की, बाद में वो बंदे को तकरीबन 25,000 करोन फाइन हुआ और जेल तो खैर इधर कत्ल करने वाले को भी जो है ना फांसी नहीं देते, वो तो कुछ ऐसा जेल में रखते हैं 15 साल मेरा ख्याल, फिर वो छोड़ते हैं। तो ये है सिटी सेंटर शाम में राइट बिल्डिंग, ये खाली ये इधर की लाइब्रेरी है, नीचे कैफे है और लाइब्रेरी है, ये सब ना होने के बराबर कोई बंदा नहीं है, कोई भी बंदा नहीं। ये लोग अच्छी सुनिए ना, कोरोना वायरस की वजह से नो लाइफ। ये जो जगह थी ये तकरीबन फुल होती हैं सारी, लेकिन वायरस की वजह से ये सारा कुछ
ये सारे होटल शोटल ये वो सारा कुछ बंद है। देखें लाइब्रेरी ये भी बंद है, डुप्लीकेट लाइब्रेरी को। और सामने समुंदर है, इधर से शिप जाते हैं डेनमार्क में। किसी दिन प्लान बनाऊंगा मैं, अगर दो चार छुट्टियाँ आई। आजकल तो समुद्री सफर ही उन्होंने सारा कुछ बंद किया है, जिसकी वजह से कहीं भी नहीं जा सकते। तो ये है, ये अक्सर मैं इस स्ट्रीट में आता था, ये इनकी मेन स्ट्रीट है। लेकिन देखें मैं आपको, कोई गिने चुने लोग हैं वो भी किसी मजबूरी की वजह से या कुछ की वजह से आए होंगे इधर, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो ये मांगने वाले भी इधर हैं, पुलिस आती है तो ये भाग जाते हैं, अदरवाइज ये रोमानिया के लोग हैं। हमारे लोग कहते हैं, एशियन लोग कहते हैं, नेशनैलिटी मिले दबा के काम करो, लेकिन इनके पास सारा कुछ है, नेशनैलिटियाँ भी हैं, यूरोप में बगैर वीजा के आ जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने मांगना ही है। ये बर्गर किंग, ये इनकी आदत है मांगना। ये एशियन फूड है। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मैं थोड़ी शॉपिंग करता हूँ, तो ये इंशाल्लाह जो है ना, ये सारी दालें खाली है, मैंने सब्जी सब्जी लेनी है बस। बस जी, क्या हाल चाल है। मैं अभी बैठा हूँ बस के इंतज़ार में, सामान काफ़ी ज़्यादा था और अंदर मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अंदर रश वगैरह था, उसकी वजह से जो है ना मैंने मुनासिब नहीं समझा वीडियो बनाना। सामान ज़्यादा है उसकी वजह से अभी पैदल भी जा सकता हूँ, लेकिन वो यह पैदल जाके अभी जो है थकने वाली बात है। दूसरा ये है कि जाके खाना भी बनाना है अभी, और इसलिए मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। बस अभी तकरीबन 7 मिनट तक बस आएगी, इसलिए बस अभी इधर बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ। बस आएगी तो घर जाऊँगा। इधर ही मैं अपने व्लॉग का जो है ना ख़त्म करता हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों से शेयर करना। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।